जगह जिसने किया है, और मैं समझता हूं कि समय आ गया है। आपने 35 सालों तक कांग्रेस के साथ, आपने 35 सालों तक कांग्रेस का साथ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं, लेकिन 35 सालों का इतिहास देखिए, जो कांग्रेस ने बनाया, एक एक करके सरकार ने उसे बेचने का काम किया। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, आग्रेस फैक्ट्री बेच दिया, सार्वजनिक उपक्रम निगम बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अरे भैया, आप फिर समझ जाओगे तो हमको और आपको भी ये बेच देंगे। और प्रियंका गांधी जी कहती है, दुनिया की कोई चट्टान नहीं बनी, दीवाने उठा दो, जुल्म जाती का इम्तहान कर दो। हमारा नाम प्रियंका गांधी है, उस दीवार को भी तोड़ दूंगी, लेकिन बेटियों की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देनी हो, प्रियंका गांधी जी का कदम पीछे नहीं हटेगा। चार बार इस सरकार ने उन्हें जेल की सलाखों में रखा। जब सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई, आदिवासी भाई बहनों के निर्मम हत्या के बाद उनके न्याय के लिए प्रियंका गांधी जी गई। और उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 7 प्रतिज्ञाएं की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि उत्तर प्रदेश को लूटने वाले हैं, और इन उत्तर प्रदेश के लूटने वालों के खिलाफ एकजुट होइए, संघर्ष का बिंदु बजाइए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव के साक्षी बने, साथी बने। है उत्तर प्रदेश के जनादेश देने वालों, है उत्तर प्रदेश के भाग विदाताओं, है उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शक, है उत्तर प्रदेश के मालिक। आपने 35 साल से कांग्रेस का साथ नहीं दिया, आज उत्तर प्रदेश किस मुहाने पर खड़ा है आप सब लोग जानते हैं। आइए उत्तर प्रदेश में आज एक